हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डिकेटोइट। तो आज मैं आ गया हूं अमरकंटक और बहुत ही दिलो इच्छा थी मेरी अमरकंटक आने की और यहां पे आके वीडियो बनाने की। यहां पे वाटरफॉल आया था मैं, कपिल धारा और दूध धारा। बता देता हूं कि अमरकंटक में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो जब भी आप अमरकंटक आते हैं तो बाई रोड भी आ सकते हैं या ट्रेन से भी आ सकते हैं। तो ट्रेन से अगर आना है आपको तो रायपुर से पेंड्रा या बिलासपुर से पेंड्रा आ सकते हैं। पेंड्रा से 25 किलोमीटर की दूरी पर है अमरकंटक। या बाई रोड अगर आप आना चाहते हैं तो बिलासपुर से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा। इसका दो रास्ता है, एक पेंड्रा की तरफ से आ सकते हैं, केवची होते हुए आता है, और एक जो है अचानक मार्ग की तरफ से आ सकते हैं। अचानक मार्ग वाला जो रास्ता है वो 125 किलोमीटर है, और अगर आप रतनपुर पेंड्रा तरफ से आना चाहते हैं केवची की तरफ से तो वो 105 किलोमीटर पड़ता है। तो दोनों रास्ते से आप आ सकते हैं। सबसे पहले नर्मदा उद्गम जो सबसे प्रमुख है यहाँ पर, तो नर्मदा उद्गम जो है यहाँ पे नर्मदा माता का मंदिर भी है और नर्मदा माँ का जो उद्गम स्थान है वहाँ से ही पानी जब निकलता है तो ये जो है कपिल धारा बनाता है और दूध धारा जलप्रपात बनाता है। तो आप जब नर्मदा माता के मंदिर से जब निकलेंगे तब जस्ट सामने में ही प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा जो है जस्ट उसी रोड में आप आगे जाएंगे तो श्री यंत्र मंदिर है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं, जो बहुत ही खास है। उसके अलावा जो है माता का बगिया है, उसमें बोला जाता है कि आम और केले का जो है वृक्ष है जो नर्मदा माता है वहाँ से फल जो है लेकर आती हैं, इसलिए उसे माँ का बगिया भी कहा जाता है। उसके बाद जो है जैन मंदिर, जैन मंदिर जो है बहुत ज़्यादा प्रमुख है और बहुत ही प्राचीन भी है, और वो जो मंदिर है 18 साल से बन रहा है, 2001 से अभी तक है बनी रहा है और बहुत सा काम अभी बाकी है, तो करीब और अभी कम से कम 5 साल भी और लगेंगे। वहाँ का जो प्रतिमा है, महावीर का जो प्रतिमा है वो 41 टन का है। तो उसके अलावा जो वहाँ का जो मठ है, तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी आप घूम सकते हैं। उसके अलावा जो है जो मंदिर है सोनमुड़ा आप जा सकते हैं। तो चलते हैं हम सोनमुड़ा की ओर। सबसे पहले जब मैं मॉर्निंग में उठा 5:30 बजे तो मैं सीधा सोनमुड़ा गया और यहाँ पर आया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ पर बंदरों से सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पे जो बंदर हैं जो फल रहते हैं या कुछ नारियल रहते हैं या कुछ भी खाने का सामान रहते हैं उसे लूट लेते हैं, तो उससे सावधान रहें। तो ये है सनराइज़ पॉइंट जो है, तो यहाँ से बहुत बेहतरीन आप सनराइज़ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू रहता है, एकदम मन को पीस कर देगा, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ पर जब सुबह सुबह आएंगे आप तो जो पहाड़ है पूरा जो कोहरा है ये बहुत दूर तक ज़्यादा दिखाई नहीं देता, तो पूरा कोहरा कोहरा दिखता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ से हम फिर से ऊपर चलते हैं, यहाँ पे सोन नदी का उद्गम स्थान है, तो यहाँ से हम ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं ये जो गौमुख है जस्ट इसके नीचे में, तो यहीं से सोन नदी का उद्गम स्थान है। ये जो गौमुख से पानी निकल रहा है यहीं से सोन नदी का उद्गम है। तो अब चलते हैं हम नर्मदा मंदिर की ओर, यहाँ से इसका एंट्रेंस है। जब सोनमुड़ा से आप जब आएंगे तो यहाँ पे अभी आप आ सकते हैं, यह मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है, और नर्मदा आरती बहुत ही भव्य रहता है। लास्ट में एक छोटा सा क्लिप डाला हूँ मैं, तो उसे आप देख सकते हैं। यह है इसका मंदिर परिसर, और देखिए इस टाइम तो मैं गया था तब बंद था ये, तो इस टाइम नहीं जा पाया। और यहाँ पे एक मंदिर है जो नर्मदा माता का मंदिर है, ये 52 शक्तिपीठ में से एक है, और यहाँ आसपास में करीब 10 से भी अधिक छोटे बड़े मंदिर हैं जो आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके सामने आप जाएंगे तो यहाँ पर दो यहाँ पे हाथी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक ऐसा मान्यता है कि इस हाथी से जो कोई निकल जाता है वो बहुत ही जो बोलते हैं अच्छे आदमी रहते हैं, और जो नहीं निकल पाते वो पापी होते हैं, ऐसा यहाँ बोला जाता है। तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश किया और देखे, और मैं यहाँ से फाइनली जो है निकल गया। तो आप भी यहाँ पे जब आते हैं तो इसे ट्राई ज़रूर करें। और यहाँ से जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ शिवलिंग है बहुत सारे, जैसे इसके सामने जाएंगे तो नर्मदा उद्गम है, यहाँ पे नर्मदा माता का मूर्ति स्थापित किया गया है, तो ये यहाँ की मूर्ति है। और कुंड है यहाँ पर,
यहाँ की कुंड के बाद जो है ये छोटा कुंड के बाद एक छोटा बहुत बड़ा कुंड है, फिर ये बड़ा कुंड से पानी निकल कर एक बहुत बड़ा तालाब बनाता है। ये डोन का एक छोटा सा पीक है, जब मैं यहाँ पे आया था तब लिया था डोन का पीक। और यहाँ पर जस्ट जो कुंड है, जस्ट नर्मदा माता का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने में कुंड है, तो यहाँ पर जो कुंड है ये बिल्कुल मिरर जैसा लगता है। जो मंदिर का उद्गम स्थान है वहाँ से आप देखेंगे तो बिल्कुल मिरर जैसा लगता है। और ये मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर में हर मंदिर जो है अपने आप में अलग मंदिर है, तो ये मंदिर परिसर ज़रूर घूम। तो चलते हैं हम प्राचीन मंदिर की ओर। ये इसका एंट्रेंस है, राइट साइड में नाम एंट्री कराना पड़ता है। और यहाँ पे आने के लिए जो है जैसे कैमरा लेके जाते हैं उसके लिए 25 रुपया शुल्क है, एंट्री जो है फ्री है। और ये गार्डन है, यहाँ पर आप पिकनिक एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे प्राचीन मंदिर हैं, 8 से भी अधिक प्राचीन मंदिर हैं, तो उन्हें भी घूमें। और जो आप सामने देख रहे हैं वो शिव मंदिर है, तो यहाँ पर नर्मदा माता शिवरात्रि में एक बार जो है यहाँ पे शिवलिंग को स्पर्श करने आती है। और ये यहाँ का छोटा सा एक कुंड है। और यहाँ का कई सारे जो प्राचीन मंदिर हैं इन्हें भी यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर घूमें। तो चलते हैं हम कपिलधारा की ओर। ये कपिलधारा जलप्रपात है, यहाँ पे आने के लिए जो है सबसे अच्छा समय जो है वो अक्टूबर से फरवरी का समय है, उस टाइम यहाँ पर पानी बहुत अच्छा रहता है। जस उसके नीचे कपिलधारा जलप्रपात के बाद दूधधारा जलप्रपात है। तो अब हम चलते हैं जैन मंदिर की ओर। तो अभी ये इसका निर्माण कार्य अभी तक चल रहा है और ये इसका मुख्य मंदिर है। तो यहाँ से इसका एंट्रेंस है, ये मुख्य मंदिर का एंट्रेंस है। बहुत ही भव्य बन रहा है ये मंदिर और 18 साल से लगातार अभी यह बनते जा रहा है और लगभग अभी 5 साल और लगेंगे इसे बनने में। और अभी भी यहाँ का जो कई सारे जो गुंबद है और जो मूर्तियां हैं वो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है इस मंदिर का, तो बनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगेगा यह मंदिर। और इसका गुंबद देखिए आप, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी आता हूँ तो इसका गुंबद बहुत देर तक देखते रहता हूँ। और चलते हैं हम अंदर। तो यहाँ का निर्माण कार्य लगातार अभी चलते जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ कुछ अभी लगा हुआ है, यहाँ का बांस वगैरह रिपेयरिंग का भी कई सारे कार्य और यहाँ जो मूर्ति लगाने का कार्य जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे आएँ तो इन सब चीज़ों का सावधानी रखें, किसी चीज़ को ना छुएं। और ये महावीर की मूर्ति है, यही 41 टन की जो है मूर्ति है, जो पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति एक ही जगह है। तो दोस्तों चलते हैं अब हम कबीर चबूतरा की ओर। जब भी आप यहाँ पर आते हैं तो यह विशाल वृक्ष जरूर देखें, ऐसा वृक्ष और कहीं नहीं है, बहुत ही बड़ा वृक्ष है। तो यहाँ पर भी आप आएँ तो ज़रूर यहाँ पे घूमने आएँ। जब आप बिलासपुर से अमरकंटक आते हैं तो बीच में ही अचानक मार्ग पड़ता है, तो यहाँ पे अभी आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको यह वीडियो, और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, DK28। तो दोस्तों अभी भी वीडियो बाकी है, तो ये है नर्मदा आरती का एक छोटा सा क्लिप। Oh,